तो आला हजरत अजीम अल बरकत किस अंदाज में मेरे दादा दादा खान को अपने सामने रख करके उस मुकद्दस बारगाह में पेश कर रहे हैं। तेरी तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। क्या सुभान अल्लाह, लाडला बेटा तेरा, लाडला बेटा तेरा, लाडला बेटा तेरा तेरा। सुभान अल्लाह, ये आला हजरत अजीम अल बरकत है। अब जिससे मैं पूरी दुनिया में पहचाना जाता हूँ, जिस शब में होता हूँ, क्या बात, उस शब में लोग ये कह देते हैं कि ये शेर जरूर होगा फकीर की जुबानी। आला हजरत अजीम अल बरकत, अरे लल्ला मेरा तो पूरा खानदान कुर्बान। क्या बात है सुभान अल्लाह, और आज से नहीं 100 साल से नहीं, 100 साल से जायद हो चुके हैं जब से कुर्बान। सुभान अल्लाह, और कयामत तक के लिए इंशाअल्लाह कुर्बान ही रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्यों रजा, सुभान अल्लाह, क्यों रजा, शान सादात जिंदाबाद, शान सादात जिंदाबाद, क्यों रजा जिंदाबाद। ये मैं रखे हुए हूँ अमानत के तौर पे, क्यों रजा, ये आज मैंने मामूल के खिलाफ हुक्म की ताब अरीजा ये हुक्म की तामील अल्हम्दुलिल्लाह फकीर ने की, इस वजह से यहाँ बैठ गया। मैं इस लायक नहीं हूँ कि यहाँ बैठूं, और उन खालिस उलमाए ज़बील एहतराम जो बरेली शरीफ से जुड़े हैं, जुड़े थे, जुड़े रहेंगे इंशाअल्लाह, हुजूर ताजुश शरिया से मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह, खालिस मैं उन्हीं के दरमियान रहता हूँ और उनके हुक्म की तामील करता हुआ यहाँ बैठ गया। ना मेरा शायद ये 4 टाइम्स मैं पूरी लाइफ में बैठा हूँ मेंबर नूर पर, वरना हमेशा कदमों में बैठना मैं अपने आप पे फख्र महसूस कर, नहीं थोड़ा डाउन कर दे, फख्र महसूस करता हूँ। मैं अर्ज कर रहा था सरकार आला हजरत अजीम अल बरकत, क्यों रजा, आज गली सुनी है,